ये कैंट के किनारे एक पेड़ है जो कि पानी के निकलने के वजह से पेड़ के जो जड़ हैं वो बिल्कुल खोखले होते जा रहे हैं। मिट्टी का कटाव काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ये देखिए किस तरह से ये जो है जड़ के नीचे नीचे जो है कटाव हुआ है और ये आगे जाके ये पानी गिर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पीने वाला पानी है और भारी मात्रा में वेस्टेज हो रहा है। कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पेड़ को काट के ठीक करने की कोशिश किया गया है लेकिन कहीं ना कहीं जलकल विभाग की असफलता है, जो कि साफ तौर से दिख रहा है। एक पट्टी लगाए हैं लोहे का जो कि इनको कामयाबी नहीं मिली और भारी मात्रा में यहाँ पे पानी निकल रहा है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए ये पानी निकल रहा है और यहाँ पे ये देखिए मेन सड़क है और मेन सड़क पर देखिए विशाल कितना, ये वृक्ष कितना विशाल है। ये गिरने से एक बड़ा हादसा हो सकता है। वृक्ष देखिए कितना विशाल है ये और ये कभी भी गिर सकता है। और इसी से लगे ये मेन रोड है। ये लखनऊ का कैंट क्षेत्र है जहाँ इस वक्त मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। देखेंगे किस तरह से पेड़ का पूरा कटाव हो गया है पानी के लीकेज होने के कारण और पेड़ जो है एक तरफ से इसके जड़ काट दी गए, यानी कि पेड़ अगर गिरेगा ये तो ये रोड की तरफ ही गिरेगा। और वृक्ष इतना विशाल है कि अगर ये इसको समय रहते ठीक नहीं किया गया तो ये देखिए ये कई लोगों की जान ले लेगा पूरी। ये देखिए मतलब सड़क की उस पार तक ये जा रहा है वृक्ष और काफ़ी लंबा है ये वृक्ष और ये कभी भी गिर सकता है क्योंकि जिस तरह से पानी का कटाव हो रहा है आप देखेंगे कि ये देखिए मैं तस्वीरों में साफ दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये पानी ने जल जो है यहाँ पर भराव होने के कारण मिट्टी का कटाव हुआ है, भारी मात्रा में मिट्टी का जो है कटाव हुआ है। अब ये पेड़ कभी भी गिर सकता है और बड़े हादसे को न्योता दे रहा है ये पेड़। शासन और प्रशासन की इस पर अभी तक नज़र नहीं गई है। ये कई लोगों की जान ले सकता है ये पेड़। अगर समय रहते इसको ठीक नहीं किया गया तो इस पेड़ से आने वाले लोगों को बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें मैं लखनऊ के कैंट से दिखा रहा हूँ, जो लखनऊ कैंट से सीधे केकेसी कॉलेज की तरफ ये रोड जा रहा है। ये वही रोड है जो लखनऊ कैंट से केकेसी की तरफ से जा रहा है और केकेसी में आगे जाके ये जुड़ता है ये सड़क, और उससे पहले कैंट क्षेत्र में ही है ये पेड़ जो है। तस्वीरें आप देखेंगे इसके आसपास का मैं इलाका दिखाता हूँ। ये देखिए ये पूर्ति डिपो लखनऊ, ये लखनऊ का पूर्ति डिपो है जो कि एक मैं आपको निशान दे रहा हूँ। शासन प्रशासन तक अगर ये वीडियो जा रहा है तो जल्द से जल्द इसको ठीक करें। लगातार इस रोड पर जो है कार और मोटरसाइकिल निकल रही है और ये बड़ा हादसा एक हो सकता है क्योंकि वृक्ष आप देखेंगे ये रोड है और वृक्ष की आप लंबान देखिए, ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। अगर ज़ोर से आंधी तूफान आया तो वृक्ष ज़रूर गिर जाएगा और वृक्ष के गिरने से बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में समय रहते अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये वृक्ष कई लोगों की जान ले लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पानी का वेस्टेज देखिए कितने कितने तेज़ी से हो रहा है। ये पीने वाला ही पानी है जो सप्लाई का पानी है, लोगों को सप्लाई का पानी जो है पीने के लिए जाता है कैंट क्षेत्र में, ये वही पानी है। पानी की तेज़ गति की वजह से पूरा यहाँ पर मिट्टी का कटाव हो गया है और जड़ें यहाँ बाहर आ गई हैं जिसके वजह से पेड़ कभी भी गिर सकता है। ये देखिए बिल्कुल साफ पानी है।